तो रोमन रिंग्स और एजी स्टाइल दोनों ही स्मैकडाउन के अंदर हैं और साथ ही स्मैकडाउन के टॉप सुपरस्टार हैं, और स्मैकडाउन के नहीं बल्कि बात करें डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप सुपरस्टार हैं। और अगर बारी आती है इन दोनों में से किसी को ड्राफ्ट करने की रॉ के अंदर, तो इनमें से कौन सा सुपरस्टार रॉ के अंदर ड्राफ्ट हो सकता है जो कि 2020 में अभी हमें ड्राफ्ट देखने को मिलने वाला है। पॉसिबिलिटी है कि एजी स्टाइल या फिर रोमन रिंग्स इन दोनों में से कोई अपना ब्रांड चेंज करने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इनमें से वो कौन सा सुपरस्टार हो सकता है जो कि ड्राफ्ट करके रॉ में जा सकता है, और इसके पीछे काफ़ी कुछ मतलब कह सकते हैं एक बढ़िया रीज़न है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखना और लाइक ज़रूर कर देना। तो आज फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वह जैसे कि आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी लास्ट टाइम अपना ड्राफ्ट कराया था, मतलब लास्ट ईयर ही कराया था, जब डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ और स्मैकडाउन अलग अलग हो गए थे, जहां पर स्मैकडाउन जो है वो फॉक्स पे आ गई थी और जो रॉ है वो यूएसए नेटवर्क पे चला गया था। तो उसके बाद मतलब पहले हमें ड्राफ्ट देखने को मिला था, और अभी काफ़ी सारे रूमर्स आ रहे हैं, न्यूज़ निकल के आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का दोबारा से ड्राफ्ट कराने का प्लान है, और वो हमें देखने को मिलेगा अक्टूबर में ही, जहाँ पर लास्ट ईयर भी हमने अक्टूबर में देखा था और दोबारा से हमें वहीं पर देखने को मिलेगा। तो हमें पता है जब एजी स्टाइल और साथ ही रोमन रिंग्स की बात करें तो ये दोनों सुपरस्टार पहले अलग अलग ब्रांड में थे, और सबसे पहले जब हमने ड्राफ्ट से पहले मतलब शेकअप देखा था, सुपरस्टार शेकअप जब हुआ था तब हमने देखा था एजी स्टाइल स्मैकडाउन से रॉ के अंदर चले गए थे, और वहीं रोमन रिंग्स जो हैं वो रॉ से स्मैकडाउन में आ गए थे। तो सोच सकते हो आप मतलब दोनों इतने बड़े सुपरस्टार हैं, अपने अपने ब्रांड के काफ़ी ना बड़े सुपरस्टार थे, इस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उस टाइम भी इन दोनों को ही एक्सचेंज किया था, क्योंकि तब एजी स्टाइल स्मैकडाउन के काफ़ी बड़े सुपरस्टार थे, वर्ल्ड चैंपियन थे। एजी स्टाइल का स्मैकडाउन बोल सकते हो आप घर है जो कि उन्होंने बिल्ड करा है, साथ ही रॉ के अंदर रोमन रिंग्स काफ़ी कुछ मतलब धूम धमाका मचा रहे थे। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जब सुपरस्टार शेकअप भी करा था तब इन्हीं दोनों मतलब बड़े सुपरस्टार को एक्सचेंज करा था, और अभी की बात करें तो अभी ये दोनों सुपरस्टार एक ही ब्रांड में आ चुके हैं। लेकिन जैसे कि हमें पता है अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई का ड्राफ्ट आने वाला है, तो इनमें से कोई ना कोई एक सुपरस्टार जरूर से हमें जाता हुआ दिखाई देगा रॉ के अंदर, और वो जाएगा क्यों इसके पीछे का कह सकते हैं काफ़ी बड़ा रीज़न है। जैसे कि हमें पता है जो एजी स्टाइल हैं जब से मतलब शेकअप से गए थे, शेकअप होकर रॉ के अंदर गए थे, तब से वो रॉ के अंदर ही थे, लेकिन अभी बीच में हमने देखा डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको स्मैकडाउन के अंदर लेके आ गई, मतलब ड्राफ्ट से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको स्मैकडाउन के अंदर डाल दिया। और वो डाला क्यों था, उसका पीछे का रीज़न निकल के आया था, जैसे कि हमने देखा था डब्ल्यूडब्ल्यूई ने गैलोस और एंडरसन को रिलीज़ कर दिया था, और उस टाइम पे जब जो रॉ के अंदर थे वो थे पॉल हेमन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रॉ के। तो एजी स्टाइल का कहना था कि मतलब अगर पॉल हेमन चाहते तो गैलोस एंडरसन को रोक सकते थे, तो इनके बीच मतलब काफ़ी कुछ मतलब हीट पैदा हुई थी, जहाँ पर मतलब फिर बताया भी जा रहा था, पॉल हेमन ने बोला था मैं मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन फिर और एजी स्टाइल के सामने मतलब बातें निकल के आई थी कि पॉल हेमन ही वो बंदे थे जिन्होंने गैलोस एंडरसन को निकल पाया। तो इनके बीच कह सकते हैं एक रियल लाइफ हीट हो गई, मतलब पर्सनल काफ़ी ज़्यादा हीट हो गई, इस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रॉ से एजी स्टाइल को स्मैकडाउन के अंदर डाल दिया। और अभी हमने क्या देखा, जब रोमन रिंग्स का रिटर्न हुआ तो उनके साथ आ चुके हैं पॉल हेमन, तो पॉल हेमन रॉ से अब स्मैकडाउन के अंदर आ चुके हैं। तो इसी के पीछे कुछ मतलब न्यूज़ भी निकल के आ रही है कि अब जो एजी स्टाइल हैं वो वापस से रॉ के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा वो रॉ से स्मैकडाउन के अंदर आई इसलिए थे क्योंकि रॉ के अंदर पॉल हेमन थे, और वहाँ से वो स्मैकडाउन में आए, और अब दोबारा से क्या हुआ, अब स्मैकडाउन में पॉल हेमन आ गए, तो फिर से यहाँ पर एजी स्टाइल को कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई एजी स्टाइल को स्मैकडाउन से रॉ के अंदर ड्राफ्ट कर सकती है, या फिर हमें दूसरा को सीन देखने को मिल सकता है जहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रिंग्स को उठा के रॉ के अंदर ड्राफ्ट कर दे, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एजी स्टाइल ही मतलब ड्राफ्ट होंगे, क्योंकि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई एजी स्टाइल को मतलब वापस से ड्राफ्ट नहीं करना चाहती, दोबारा से इतनी जल्दी नहीं करना चाहती, क्योंकि एजी स्टाइल को स्मैकडाउन के अंदर कह सकते हैं काफ़ी अच्छा भी लगता है, उन्होंने मतलब स्टार्टिंग से एजी स्टाइल स्मैकडाउन के अंदर रहे, काफ़ी कुछ उन्होंने यहाँ पर कमाल करा है। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ना चाहिए एजी स्टाइल को ड्राफ्ट करना, तो यहाँ पर वो रोमन रिंग्स को भी ड्राफ्ट कर सकते हैं, और रोमन रिंग्स और पॉल हेमन वापस से चले आएंगे रॉ के अंदर, जो कि मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता ये होने वाला है, या मेरे हिसाब से ये सही डिसीजन होगा नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से रोमन रिंग्स को स्मैकडाउन के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि फॉक्स की भी डिमांड थी कि रोमन रिंग्स स्मैकडाउन के अंदर हैं, और रोमन रिंग्स अगर स्मैकडाउन के अंदर रहेंगे तो फॉक्स को कह सकते हैं स्मैकडाउन को रेटिंग्स मिलेंगी जो कि रोमन रिंग्स ही ला सकते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई मेरे हिसाब से एजी स्टाइल को ड्राफ्ट कर सकते हैं रॉ के अंदर, और एजी स्टाइल अगर रॉ के अंदर जाएंगे तो वो काफ़ी अंदर सही बात है, क्योंकि हमें पता है जो स्मैकडाउन के अंदर एजी स्टाइल हैं वो हील हैं, रोमन रिंग्स भी हील हो चुके हैं, तो आप रॉ के अंदर किसी एक अच्छे हील सुपरस्टार की ज़रूरत है, जो कि मेरे हिसाब से अगर एजी स्टाइल रॉ के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर वो चैलेंज कर सकते हैं ड्रू मैकइंटायर को डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए, और हो सकता है इनका एक ड्रीम मैच भी हमें देखने को मिल जाए जो कि अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें देखने को मिला नहीं है। तो वहाँ पर जाके रॉ के अंदर जाके एजी स्टाइल के पास काफ़ी कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं। और इसके पीछे का एक और मुझे रीज़न लगता है, जो कि अभी हाल फिलहाल ही हमने देखा एजी स्टाइल से उनका इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल ले लिया गया, जैसे कि हमने देखा एजी स्टाइल अभी हाल ही में अपना टाइटल हार गए जेफ हार्डी से, जो कि काफ़ी ज्यादा शॉकिंग था। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान बना लिया हो कि एजी स्टाइल को रॉ के अंदर डालना है, तो इस वजह से उन्होंने उनसे उनका आईसी टाइटल भी ले लिया।
तो ये मुझे कुछ रीज़न लग रहा है। वैसे देखना होगा आगे चल के ड्राफ्ट होता है, तो मुझे लग रहा है दोनों सुपरस्टार में से एक सुपरस्टार तो ज़रूर से अपना ब्रांड चेंज करने वाला है, क्योंकि दोनों ही बड़े सुपरस्टार हैं और WWE इन दोनों बड़े सुपरस्टार में से एक सुपरस्टार को तो रॉ के अंदर ज़रूर से डालना चाहेगी। तो इसके बारे में फिर कमेंट करके आप लोग मुझे बताना, आप मतलब इन दोनों सुपरस्टार में से किसको अपना ब्रांड चेंज करते हुए देखना चाहेंगे, मतलब रॉ के अंदर आप किसको जाते हुए देखना चाहेंगे, AJ स्टाइल को या फिर रोमन को, जो भी है इसके बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही गाइस इस वीडियो को लाइक करने के नहीं आना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी चैनल पर नया पहली बार वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही उस बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो वैसे तब तक के लिए ध्यान रखें अपना अपने परिवार का, तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड बाय।